उत्तराखंड के पतनगर में जीबी पंत यूनिवर्सिटी में डिप्टी कंट्रोलर की नियुक्त में धांधली की आशंका के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक डिप्टी कंट्रोलर ने दस्तावेज मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के हैं, जबकि उनकी नियुक्ति पंतनगर के विश्वविद्यालय में है। इसके अलावा उनका जाति प्रमाण पत्र भी उत्तराखंड का बना हुआ है, जबकि एक व्यक्ति के दो प्रमाण पत्र नहीं हो सकते। वहीं एडिशनल डीन ने मामले पर संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया और दोषी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है। तो डीन ने मामले पर संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है और दोषी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की भी बात कही है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के डिप्टी कंट्रोलर ने जाति प्रमाण पत्र एक व्यक्ति और एक दो प्रमाण पत्र एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। वहीं एडिशनल डीन ने मामले पर संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि दोषी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो आरटीआई से मिली जानकारी के बाद यह खुलासा हुआ है कि एक व्यक्ति के दो प्रमाण पत्र नहीं हो सकते हैं। वहीं एडिशनल डीन ने मामले पर संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि इसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। जीबी पंत यूनिवर्सिटी में की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डिप्टी कंट्रोलर की नियुक्ति में गड़बड़ी की आशंका सामने आई है। आरटीआई से मिली जानकारी में ये पता चला है कि एक व्यक्ति के दो प्रमाण पत्र नहीं हो सकते हैं। इसी के बाद एडिशनल डीन ने मामले पर संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है और दोषी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की है। तो आरटीआई से मिली जानकारी के बाद ये खुलासा हुआ है। सवालों में जीबी पंत यूनिवर्सिटी की कार्यशैली, डिप्टी कंट्रोलर की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद पता चला है कि एक व्यक्ति के दो प्रमाण पत्र नहीं हो सकते और इसके बाद एडिशनल डीन ने मामले पर संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है और दोषी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात भी कही है। तो डिप्टी कंट्रोलर की नियुक्ति पर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। सवालों के घेरे में जीबी पंत यूनिवर्सिटी, डिप्टी कंट्रोलर की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और आईटीआई की जांच के बाद ये मामला सामने आ सका है। ये स्थायी प्रमाण पत्र का मामला जो है बड़ा गंभीर होता है और इस संबंध में जिला प्रशासन सबसे सुयोग्य होता है अपनी राय देने के लिए। इसलिए एक शिकायत हमारे कार्यालय को प्राप्त हुई थी, जिसको कि हमने विस्तृत आख्या के लिए जिला प्रशासन